पिछले दिनी SHO राम प्रभुर वालों अपने थाने की रिटायर SI अमरजीत कौर नूं करोना होने का शक जाहर किया सी। इस तो बाद अमरजीत कौर ने कहा कि रामपुरा फूल दे SHO वालों मेरा नाम बदनाम कर दिता है, जिस दे बाद मेरे पूरे परिवार अते महल्ले विच मेरी बदनामी हो गई है। इस तो बाद ना तो मैं किसी नूं चेहरा दिखा सकती हाँ ते ना ही बाहर निकल सकती हाँ। मेरी प्रशासन नूं बेनती है कि SHO खिलाफ़ बनदी कार्रवाई की जाए। अमरजीत कौर जी, ASI सेवा मुक्त रामपुरा। हाँ जी, की कहना जी, थोड़ी वीडियो वायरल करी सी तो खबरें भी लगे। मेरी जी वो सरासर झूठी है, मैनू नहीं पता मेरे ते क्यों इन्होंने यहोजा इल्जाम लाया। आल मतलब इंडिया च आल विश्व विच ये गल पहुँच गई, मैनू तरह तरह के फोन आने लगे भी तुहानू करोना हो गया। मैनू नहीं पता मेरे वास्ते क्यों कह गया ना, मैं अज तक हॉस्पिटल भी नहीं गई जी, मैं तंदुरुस्त हाँ बिल्कुल, कोई मैनू प्रॉब्लम नहीं जी। मैनू ये नहीं पता भी क्यों मेरे घर डॉक्टर की टीम भेजी है, मैं उन्होंने पूछा भी तुसी थोनू भेजा कि नहीं है, वो कहते जी SHO ने भेजा, उन्होंने नंबर भी दिता जी मैनू 97-8-5148 जी। कितों दा SHO? सिटी रामपुरा जी, इंचार्ज है SHO हरवंत सिंह जी। वीडियो वायरल हुई है एक, भी कोई थोड़ा मुलाजम ही कह रहा है? हाँ जी, SI मुलाजम है जी, रणजीत सिंह। और दो परचा होना चाहिए जी इन्होंने चारा से, नरपिंदर पत्रकार है जी अजीत का जिन्हें खबर लाई है, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी मेरे को जी, उन्होंने भी ये गल कही है, कहते भी थोड़े SHO ने कहा भी मैं लेके गया इनू। मैं दो बारी फिर पूछा जी, क्यों मैं ये गल का निर्णय लेना सी जी भी क्यों मैंने इन्ना बदनाम कराया इन्होंने। एक लेडी है जी, बिडो लेडी है, मैं मेरी इन्नी मिट्टी पलीत की है, इन्नी मेरी बेइज्जती करी है, मेरे बच्चे भी मेथों नफरत कर लग गए जी, मेरे बच्चे भी डर गए भी एकदम जदों अखबार च आ गया, ऑडियो रिलीज़ हो गई जी, तो बच्चे भी घबरा गए भी शायद हो सकता वड्डी गल नहीं हुंदी जी। मैं नाल दी नाल ही मतलब आपदी मतलब स्पष्टीकरण दिता भी मैं बिल्कुल अज तक किसी डॉक्टर दे भी नहीं गई जी, मैनू बिल्कुल कदे कोई बीमारी नहीं लगी इदा दी भी जिहदा मैं प्रॉपर इलाज कराउंदी होवां। कोई महल्ला भी महसूस करता होगा महल्ले? मैनू देख के दरवाजे बंद कर ले जी लोगों ने, अगे गली च कहीं भी कोई खड़ जाता वैसे एक दूजे नूं पुछ लैंदे हाल चाल, ये दुध वाले ने दुध बंद कराया जी। सही गल कहनी जी, परमात्मा नूं जाण के मैं राशन लैण गई, चलो राशन तो लैणा साडी गली च ही दुकान है जी, उहदे अंदर है, उहनां ने मैनू देख के दरवाजा बंद कर लिया, कहिंदे साडे राशन है नहीं, वो घबरा के बच्चों नूं अंदर बुला लिया, जिहड़े कि सा असीं उहनां तों कदों दे राशन लैंदे हां, साडे दुध भी नहीं आउंदा हले तक, लोग मतलब मेरे ते यकीन नहीं करदे भी हो सकदा है इन्नी घृणा हो गई जी। मैं इन्नी मतलब इन्हां ने मैनू मैंटली टॉर्चर कराया गा बहुत ज़्यादा, मैं चारा ते नरपिंदर अजीत पत्रकार ते हरवंस SHO सिटी रामपुरा ते रणजीत ते एक जिहड़ा राजा राजविंदर राजा उते पर्चा कराया गया। इस मुद्दे नूं लै के तुसीं किसे अफसर साहिबां नाल मिले हो? हाँ जी, मैं मेरे सीधा डायरैक्टली मैनू कंट्रोल रूम ते गल करी जी, मैं उन्होंने मैनू कॉन्फ्रेंस राही गल कराई जी साहब नाल, वो कहिंदे साहब ने मैनू ये गल कही, कहिंदे बेटे तुसीं मेरे वट्सएप ते कहिंदे मैनू भेजो भी की तुहाडे नाल होया, ते नाल दी नाल ही उन्होंने मैनू कहिंदे डिप्टी साहब नू मिलो, ते एक डिप्टी साहब की भी मतलब उन्होंने भी आवदे दित्ती है जी इंटरव्यू, वो कहिंदे मैं साहब नाल गल करी भी ऑडियो रिलीज़ हो रही है ते ये की कारण है, ते साहब ने कहा भी तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, हाले तक कुछ भी नहीं होया जी। किन्ने दिन हो गए इनक्वायरी लगे नू जी? हो गए जी 8-10 दिन। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਹਾਂ, ਬਿੱਡੋ ਲੇਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ASI ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਗਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ DSP ਫੂਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਵੀਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।